और दूसरे साइड से कुछ ऐसा व्यू है आइलैंड का। Do not leave it on this bus. उस हीरोइन का वो बकेट लिस्ट में रहता है। छान क्यूट शिरुमा है। नमस्कार मंडली, कैसे हो? मस्त होना होना ही चाहिए। सो अब हम आ पहुँचे हैं सिबा पोर्ट, जहाँ से हमें फेरी है वायाकस के लिए। सो आप सोचेंगे ये वायाकस क्या है? तो पोर्टो रिको जो है वो खाली एक आइलैंड नहीं है, तो अलग अलग आइलैंड का मिला के एक प्रदेश बना हुआ है। सो हम जाने वाले हैं अब वायाकस, और वहाँ पे जाने के बाद हम क्या देखने वाले हैं ये देखने के लिए व्लॉग कंटिन्यू करो। सो अब हम फेरी के लिए निकल चुके हैं। 5:30 की हमारी फेरी है, और 4:30 को उन्होंने बोला था कि चेक इन का टाइम है, तो हमें लगा कि ऑन टाइम आना है, लेकिन 5:20 तक था, तो तब से एक घंटा हम यहाँ पे बैठे थे और अभी निकल गए हैं फाइनली फेरी के लिए। सो ये सब है अभी, चलो 1.5 घंटे का हमारा सफ़र है। और बैठने के लिए अंदर ऐसी एसी थी और सिटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसी थी, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं बैठना था, क्योंकि हम कभी भी फेरी सोचते हैं तो ओपन ही सोचते हैं ज़्यादातर, इसलिए हम बाहर बिल्कुल भी जगह नहीं थी। फिर भी नेहा ने और मैंने दोनों ने मिलके थोड़ी सी जगह बना ली, और हमें मतलब मिल गई जगह, और आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है। और बाद में बहुत एंड में मतलब प्रफुल्ल को और स्वप्न को भी बाहर जगह मिल गई, सो हम चारों मिलके यहाँ पे मस्त आनंद उठा रहे थे। बहुत मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था, आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे तो। और हवा भी इतनी मस्त चल रही थी ना, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और सनसेट का टाइम था, इसलिए स्काई का कलर भी देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है, और बीच में मतलब पानी और वो सामने आइलैंड दिखाई दे रहा है, और स्काई का व्यू मतलब बहुत ही अच्छा है। और अभी तक सनसेट नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि बारिश जैसा मौसम हुआ था, इसलिए वैसे लग रहा है कि सनसेट हो चुका है। देखते देखते हम आ पहुँचे हैं वायाकस आइलैंड, और आप देख सकते हो व्यू कितना अच्छा है। मेरे पीछे ये है आइलैंड, और जैसे कि लग रहा है ये पानी में ही घर है पूरे के पूरे। और ये देखो, ये मेरे पीछे है पोर्ट, हम आ पहुँचे हैं, अभी उतरने ही वाले हैं हम यहाँ पे। सो चलो देखते हैं कैसा है व्यू, और देख सकते हो अभी मैंने बोला था ना सनसेट नहीं हुआ था, लेकिन हम आगे आते आते सनसेट हो चुका था, और व्यू आप देख सकते हैं दूसरे साइड से कुछ ऐसा है ये आइलैंड का व्यू। देखो ये दूसरी साइड है, और इस फेरी में ट्रैवल करते हुए बहुत मज़ा, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने बिल्कुल ज़्यादा शूट नहीं किया, मतलब ये जो समंदर की हवा थी ना वो बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने उसका मतलब आनंद लिया बैठ के। सो ऐसा है। बहुत ज्यादा थक चुके हैं, इसलिए चेहरे पे नजर आ रहा है कि हम थक चुके हैं। ये है यहाँ का पोर्ट, ऐसा पोर्ट
पोर्टो रिको फेरी, इससे हम आए हैं अभी ऊपर बैठ के। अब हम टैक्सी पकड़ के हम हमारे एयरबीएनबी पे जाएंगे और बाद में आगे क्या होगा वो आप ही देखेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइजिंग चीज़ है जो हम देखने जा रहे हैं, वो मैं तुम्हें आगे ही बताऊंगी क्या है। तो So, यहाँ पे हम Airbnb पहुंच के फ्रेश हो चुके थे और फिर से निकल चुके हैं बाहर टहलने, और आप देख सकते हो सामने कितनी बड़ी चेयर है जिसपे वायकस लिखा हुआ है। और हम अभी जाने वाले हैं, मतलब आ गए हैं ये बनानाज रेस्टोरेंट में, और माहौल आप देख सकते हो काफी अच्छा माहौल है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठ के। जैसे कि आपने देखा हम बनानाज रेस्टोरेंट में आए हैं, तो यहाँ पे बनानाज की डिशेस है, लेकिन ये ना बनाना की अलग प्रजाति है प्लांटेन, सो इसलिए उसका प्लांटेन ऐसा ही नाम है, फ्राइड प्लांटेन और स्वीट प्लांटेन। तो एक कच्चे केले का बना हुआ है और एक पके हुए केले का बना हुआ है, सो ऐसा है। और यहाँ पे माहौल आप देख सकते हो एकदम मतलब हम मूवी में देखते हैं ना फॉरेन कंट्रीज़ में रात में, जैसे मतलब रात को रहता है रेस्टोरेंट का माहौल, बिल्कुल वैसा है यहाँ पे। और बाहर से भी आप देख सकते हो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, हम तो ऐसे देखते ही रह गए थे उस रेस्टोरेंट को, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था हमें। जहाँ से हम खड़े होकर रेस्टोरेंट को देख रहे हैं एग्जैक्टली उसके अपोजिट साइड में कुछ ऐसा व्यू है, आप देख सकते हो ये यहाँ पे पानी है और ये डेक है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो खिंचवाया है, बिल्कुल परी कथा में जैसा होता है ना वैसा आया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। आपको ये फ़ोटो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और आगे जाने के बाद वहाँ पे कुछ ऐसा घर था, मतलब लाइटिंग देखो ना एकदम कार्टून में जैसे होती ना, एकदम इमेजिनेशन के बाहर की लाइटिंग है ये पूरी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी देख के। सो हम फाइनली यहाँ पे एक जगह पे बैठ चुके हैं, क्योंकि नेहा और स्वप्निल हमारे साथ में नहीं है, हम अभी जहाँ जाने वाले हैं वहाँ का स्लॉट स्वप्निल का और नेहा का हमसे पहले था, इसलिए वो चले गए हैं और उनके बाद हमारा है, तो हम वेट कर रहे हैं। और कहाँ जाने वाले हैं अभी आपको प्रफुल ही बताएगा, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ पर जाने के लिए। तो अभी हम पोर्टो रिको से कुछ माइल्स पे एक आइलैंड है वायकस का, ये फेरी लिया वायकस पहुंच गए, शाम को आने का फ्रेश हो गए। अभी हमारा नाइट का जो प्लान है, हम यहाँ से जाने वाले मॉस्किटो बे, ऑलमोस्ट बेसिकली हम लोग साउथ साइड में हैं आइलैंड के, हमें नॉर्थ साइड में लेके जाएंगे। फ्लोरोलुमिनेसेंट काइंड ऑफ बायो लाइफ है यहाँ के सी में, तो बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं कोरल्स या फिर समुंदर की जो अंदर जो क्या बोल सकते हैं अलगी है, ये बायोलुमिनेसेंट है, मतलब लाइक डार्क में चमकती है, तो उसमें हम कयाकिंग करने के लिए जा रहे हैं। सो हम लोग लाइक जस्ट वेट कर रहे हैं हमारे पिकअप वैन के लिए, हमारे पिकअप वैन आने के बाद हम उनके साथ जाएंगे और फिर वहाँ पे ये एक्टिविटी करेंगे। और पता नहीं कितना शूट कर पाएंगे, अभी गोप्रो से हम ट्राई करेंगे, पता नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस करेंगे। जो कि आपने ना वो तेरी गलिया कौन सा मूवी है रे, तेरी गलिया सॉन्ग है उसमें ना, मतलब मुझे भी याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट करो, वो जो है ना तो उसमें ना उस हीरोइन का वो बकेट लिस्ट में रहता है कि वो जाए वहाँ पे और वो सब देखे वगैरह, तो वो है उसमें, तो फिर वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं हम, सो लेट्स सी अब कैसा होता है। तो
A few moments later. और देख सकते हो आप यहाँ पे हमारी पिकअप वैन आ गई है और ये सब लोग हमारे साथ में होंगे और ये देखो बायो बे लिखा हुआ है यहाँ पे और हम बैठ गए अंदर और रास्ता आप देख सकते हो पूरा मतलब अंधेरा, एक भी लाइट नहीं है और रास्ता इतना मतलब आप देखो, आप ही देखो कैसा रास्ता है ये आगे मतलब मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था लेकिन प्रफुल्ल था साथ में तो डर नहीं लगता है लेकिन फिर भी देख सकते हो आप कैसा है ये पूरा का पूरा। Do not leave it on this bus. Bring everything with you. It's gonna be outside. I'm gonna tell you where you're gonna put your stuff. Okay, guys? Okay. You guys got it? You guys got it? Yep. Guys, shoes in this basket. Not that one. This one. Stop in top of the car. और आप देख सकते हो ये गया के सामने वाला जो पार्ट है ना वहाँ पे ल्यूमिनस बैक्टीरिया की वजह से ये चमक रहा है पूरा, लेकिन गोप्रो में हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए, ये एक जन के फ़ोन में किया है ये पूरा का पूरा, आप देख सकते हो कैसा है। तो 2 hours later. और अब बज चुके हैं रात के 12 और हम आ चुके हैं वापस, हमें वैन ने वहीं पे ड्रॉप किया है जहाँ से पिकअप किया था और रास्ते देख सकते हो कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पे इतना मज़ा आया हमें कयाकिंग करने में और वो सब नज़ारा देखने में, मतलब मैं शब्दों में नहीं बता सकती आपको। A few moments later. सो फाइनली आता मी घर दाखवते कारण परत सगळं खराब होऊन जाईल म्हणून आम्ही कुठे राहतो तर हा एंट्रान्स आहे इकडच्या साईडने आणि इकडे विंडो आहे एक आणि त्याच्यानंतर मी दाखवते कसं आहे तर एकंदरीत तुम्ही पाहू शकता हे बघा अशी रूम आहे। सो अशी रूम आहे आणि खूप सगळा पसारा आहे इथे तुम्ही पाहू शकता आणि इकडे बेड आहे आणि छान आहेत एकंदरीत मस्त आहे। इकडे फ्रीज वगैरे पण आहे इथे आणि इथे त्यांनी कॉफीसाठीचं वगैरे दिले, कॉफी मग्स वगैरे आहेत, कॉफी आहे आणि पाणी खूप थंड प्यायचं नाही म्हणून फ्रीजमधून बाहेर काढून ठेवलं आहे आणि मफिन त्यांनी माहीत नाही फ्रीजमध्ये का ठेवलेले ते पण आम्ही बाहेर काढून ठेवलेत आणि इथे कॉफी वगैरे असं करू शकतो। एकंदरीत अशी छान क्यूटशी रूम आहे। सो आत्ता वाजतात 12 सो आता आम्ही झोपतो, सकाळी लवकर उठायचं आणि अजून एका बीचवर जायचं, तिकडे भेटू आपण, बाय गुड नाईट।